बल जैसा कि आप जानते हैं कि बिहान की शादी थपकी से हो चुकी है और आ, आ, मुझे बेहोश करके बिहान ने शादी कर दी है माँ के कहने पे जो कि मुझे अभी तक नहीं पता लेकिन मैं थपकी को ये बताना चाहता हूँ सच कि उसकी शादी मुझसे नहीं बिहान से हुई है जैसा कि आप जानते हैं नए नविले दुल्हा दुल्हन की बहुत सारी रस्में होती हैं खाना पन पकाना रिंग सेरेमनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो वहाँ पे ध्रो बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो सिर्फ सच का साथ देता है और उसे पता है कि ये सब रस्में निभाना थपकी के साथ सही नहीं होगा अब बस वी कश्मकश में है कि कैसे वो थपकी को बताए क्योंकि वो खुद तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन वो ये जानता है कि थपकी भी वेल आप नहीं ये देखेंगे आज के एपिसोड में कि जब ध्रुव ये सोचता है सिर्फ मात्र सोचता है कि अगर थपकी को बता दे तो क्या होगा तो उसे यही सपना आता है कि धपकी एक अपने आप को खुद मंडप में और आग में जला लेगी गई तो उसी वो अभी तक उसे बता नहीं पाए क्योंकि वो जानता है कि थपकी के लिए एक बहुत बड़ा शौक़ होगा और वो थपकी को किसी भी हालत में नुकसान होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि ध्रुव अपनी थको बहुत जल्दी क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दंपति एक साथ इंजॉय करते हैं जो कि ध्रुव और थपकी अब नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल सो so इसलिए ध्रुव को बताना तो पड़ेगा बहुत जल्दी और ध्रुव ही बताएगा क्योंकि अपनी थपकी को वो और किसी के हाथों नहीं सौंप सकता तो इसलिए ध्रुव बहुत जल्दी बताएगा धपकी को वेल well, बहुत सारे कमेंट्स मिले हमें जो आप लोग सब इनफैक्ट फैक्ट लोगों ने मुझे अपनी रोते हुए फोटोज़ भेजी हैं और बहुत सारे लेटर्स भेजे हैं हम फेसबुक वगैरह पे आई एम रियली रियली हैप्पी टू नो दैट आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं और आप सब थपकी और ध्रुव को जिसको थ्रुव नाम दिया आपने इतना प्यार करते हैं आप प्लीज़ हमें प्यार करते रहिए क्योंकि आप ही के प्यार की वजह से ये शो चल रहा है इसलिए थपकी प्यार की को अपनी प्यार की थपकी देते रहें थैंक यू